कॉन्टेजियम वाइवम यस फ्लूडम, बस समझ गए, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, इसका क्या मतलब होता है? इस स्टेटमेंट को दिया था एम डब्ल्यू बेजरिनिक बेजरिनिक ने दिया था, ठीक, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी एक ऐसा फ्लूड जो इन्फेक्सियस है, एक ऐसा फ्लूड जो इन्फेक्सियस है, इस हाइपोथेसिस को एम डब्ल्यू बेजरिनिक ने दिया था। इन्होंने वायरस में क्या बताया कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, अमल रुक जाओ, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, वायरस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की, ठीक, यानी जब ये बॉडी से बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग हो जाता है, जो बॉडी के अंदर जाता है तो ये इतना लिविंग हो जाता है कि दूसरे को सप्रेस कर देता है और अपना ही रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आ रही, नहीं आ रही है? हमने क्या बताया कि यस मैम। फाइव क्लासिफिकेशन को आरएच व्हिटेकर ने दिया था, जिसमें इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सबको डिवाइड किया। इन सबको डिवीजन के बाद उनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ड्रॉबैक्स आ गए, जिसकी वजह से वो क्लासिफिकेशन प्रोसीड अप नहीं हो पाया। फिर हम लोगों को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देना पड़ा, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देना पड़ा। तो जब ये क्लासिफिकेशन सारे दिए गए तो इन्होंने बताया कि हमने इतनी चीजों को इस चैप्टर में इंक्लूड करना है। तो आज हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया वायरस। वायरस का मतलब होता है विरियन से लिया गया, जिसका मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन वो चीज है जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो। स्टडी ऑफ वायरस को वायरोलॉजी के नेम से जानते हैं। वायरस डिस्कवर्ड बाय इवानोवस्की, यानी वायरस को इवानोवस्की ने डिस्कवर किया था। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी एक ऐसा फ्लूड जो कि इन्फेक्शियस है, इस हाइपोथेसिस को एमडब्ल्यू बेजरिनिक ने दिया था। और वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी ये बॉडी से बाहर नॉन लिविंग है लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद ये लिविंग हो जाता है। वायरस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वायरस को, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर वायरस में जो इन वायरस आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जो आरएनए है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करेगा, और जो प्रोटीन है बेटा यहाँ पर, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। बात समझ में आ रही है? बात इतनी समझ में आ गई? यस मैम, लिखो, यस जल्दी मैम। से नोट करो। जो पहला वाला चैप्टर, उसको एक जगह नोट किया है ना, लिविंग बर्ड को, यस मैम। मैम हो गया, हो गया सबका, रब कर दे।
अंजलि हो गया? यस मैम। यस मैम। अब देखो इन्होंने क्या कहा, वायरस का भी क्लासिफिकेशन है, वायरस भी क्लासिफाइड होता है। वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करता है, वायरस का भी क्लासिफिकेशन है। तो हम लोग देखते हैं वायरस को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि जो वायरस है वो कैसे क्लासिफाइड है। हमने देखा क्या कि वायरस को, वायरस का नेमिंग नहीं की गई है, कोई नेम नहीं है वायरस का। जिस बॉडी को इन्फेक्ट करता है या जो डिसीज कॉज करता है उसके बेसिस पे हमने इसका नेम दे दिया है। तो हमने देखा कि क्लासिफाइड किए गए हैं वायरस थ्री टाइप्स में। एक है हम लोगों का प्लांट वायरस, प्लांट वायरस। दूसरा है हम लोगों का एनिमल वायरस, एनिमल वायरस। और थर्ड है हम लोगों का बैक्टीरियल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। ठीक, यानी जो प्लांट सेल को इन्फेक्ट करे वो हो गया हम लोगों का प्लांट वायरस, जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करे वो हो गया एनिमल वायरस, और जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करे वो हो गया बैक्टीरियल वायरस। अगर हम प्लांट वायरस की बात करें तो प्लांट वायरस में सबसे फर्स्ट वायरस था टीएमवी। मैम आपका माइक म्यूट हो गया। देखो उसके बाद क्या है यहाँ पे, क्या वायरस, प्लांट वायरस टीएमवी फर्स्ट वायरस है। इस वायरस को टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस बोलते हैं। इस वायरस की कंडीशन क्या है कि ये टोबैको की लीफ पर, टोबैको की लीफ पर, लीफ पर मोज़ेक डिसीज कॉज करता है, मोज़ेक डिसीज कॉज करता है, इसलिए इसको हम लोग टीएमवी बोलते हैं। ठीक, और दूसरा है हम लोग का पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, पीएसटीवी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। ये जो है हम लोगों का प्लांट वायरस है। और दूसरा है कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, मोज़ेक वायरस। ठीक है, जो प्लांट में डिसीज कॉज कर रहे हैं हमने उनको प्लांट वायरस के नेम से जान लिया है। अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल में जो एनिमल में डिसीज कॉज करे वो एनिमल वायरस है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, दोनों में से कोई जो भी पॉसिबिलिटीज हो। तो सबसे पहले क्या देखा हम, एनिमल वायरस देख ले सबसे पहले। तो जब एनिमल वायरस देखते हैं तो सबसे पहला वायरस देखते हैं पोलियो वायरस, पोलियो वायरस जो डिसीज कॉज करता है पोलियो। ठीक है, मीजल्स, मीजल्स ये भी वायरल डिसीज है। ठीक, फिर रेबीज, रेबीज ये भी वायरल डिसीज है, रूबियोला वायरस के थ्रू होती है। एचआईवी यानी एड्स, एड्स जो है ये भी एचआईवी के थ्रू होती है, एचआईवी एक वायरस है। बस समझ गए। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैंसर, कैंसर भी वायरस के थ्रू होती है। ठीक है, जिसको हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक या प्रोटोन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, यानी जिसमें कैंसर के जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो हम लोगों का कैंसर की डिसीज कॉज करता है। यानी ऐसे वायरस जो डिसीज कॉज है, जैसे इन्फ्लुएंजा कॉज कर रहा है तो इन्फ्लुएंजा वायरस, मीजल्स कॉज कर रहा है तो मीजल्स वायरस, स्मॉल पॉक्स कॉज कर रहा है तो चिकन पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। जिस डिसीज को कॉज कर रहे थे उनके नेम के बेसिस पे इसका नेम दे दिया गया, इसीलिए इसका वैक्सीनेशन जल्दी डिस्कवर नहीं हो पाया और आज तक वायरस के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक नहीं डिस्कवर है कि वायरस को किल कर दे। दूसरा जो बैक्टीरियल वायरस है, बैक्टीरियल वायरस इन्फेक्ट,
इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है इसलिए इसको बैक्टीरियल वायरस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एक ही जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस। बात समझ गए, बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि टेडपोल के सेब का होता है इसलिए इसको टेडपोल वायरस के नेम से भी जानते हैं। टेडपोल के सेब का भी होता है इसलिए इसको टेडपोल वायरस के नेम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई कि वायरस को, वायरस का नेमिंग नहीं की गई है, जिस जगह पर इंफेक्शन कॉज करता है उसके बेसिस पे हमने वायरस को नेम दे दिया है। और वायरस को नेम देने के बाद हमने वायरस का पोजीशन के बेसिस पे इसको क्लासिफाइड कर दिया, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरियल। प्लांट जो प्लांट में इन्फेक्ट करे, टीएमवी और पीएसटीवी यानी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। एनिमल वायरस, बैक्टीरियल वायरस। एनिमल वायरस में पोलियो, एचआईवी, मीजल्स, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और कोई वायरल डिसीज याद है, इन्फ्लुएंजा। ये जितनी भी वायरल डिसीज है उनमें कोई एक स्पेसिफिक वायरस नहीं है जो इसको किल करने के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीबायोटिक नहीं है। उसके बाद इन्फेक्ट करता है जो बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को किल कर देता है, उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। इसको टेडपोल वायरस के नेम से भी जानते हैं, इसको हम लोग बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, इसको टेडपोल वायरस के नेम से भी जानते हैं। लिखिए इसको, जैसे पहले फर्श पे मोज़ेक नहीं, टाइल्स के पहले मोज़ेक पड़ता था, तो इरेगुलर मैनर में, अगर इरेगुलर मैनर में स्पॉट पड़ने लगे किसी डिसीज में तो उसको मोज़ेक डिसीज कहा। एक्चुअल में कोई मोज़ेक डिसीज नहीं है, जैसे टोबैको की लीफ पर इसका वायरस गया और इसके वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल था उसने इन्फेक्शन कॉज किया और टोबैको की जो लीफ थी वो चितकबरी चितकबरी होने लगी, यानी उसमें जगह जगह स्पॉट पड़ने लगे, तो उसको हम लोगों ने कह दिया टोबैको मोज़ेक वायरस। बस समझ गए? ओके मैम। मोज़ेक का स्पेसिफिकली कोई मैनर नहीं है, मोज़ेक का मैनर है कि इरेगुलर फैशन में अगर बॉडी में स्पॉट पड़ रहे हैं तो दैट कॉज द मोज़ेक डिसीज, क्योंकि टोबैको की लीफ मोज़ेक डिसीज है, तो मोज़ेक उसके करेक्टर के और टोबैको उसकी अकरेंस के बेसिस पे उसका नेम दे दिया गया टीएमवी वायरस, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके मैम। तुम लोग के क्लास में भी कोई एक स्टूडेंट था ना नया, जहांगीर? हाँ जहांगीर। देखो हमको तो याद ही नहीं था, हम पता नहीं, याद करने वो आते तो है। पहले की क्लास में था उज्जवल? यस मैम। तो इस क्लास में क्यों नहीं है? मैम को जरा मैसेज कर दो। हो गया? हाँ बेटा, अब उज्जवल मैम को कॉल कर दो, क्योंकि जहांगीर को मेरी आईडी नहीं पता होगी ना। ओके मैम। हाँ उनको कॉल कर दो क्योंकि इसका टॉपिक छूटेगा। रब कर दे इसको। यस मैम। जहांगीर को मेरी आईडी नहीं पता होगी।
अच्छा अब हम लोग देखेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर। टोबैको मोज़ेक वायरस यानी टीएमवी, टीएमवी को जो डिस्कवर किया था वो किसने डिस्कवर किया था? टीएमवी को डिस्कवर किया था डब्ल्यू एम स्टैनले ने, डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू एम स्टैनले। डब्ल्यू एम स्टैनले, एम डब्ल्यू और डब्ल्यू एम में याद रखना, स्टैनले। इन्होंने फर्स्ट टाइम टोबैको की लीफ, फर्स्ट टाइम टोबैको लीफ को क्रिस्टलाइज किया था। टोबैको लीफ को क्रिस्टलाइज किया था। क्रिस्टलाइज का क्या मीनिंग होता है? क्रिस्टलाइज का मीनिंग होता है कि जैसे सपोज करो कि टोबैको की लीफ में कोई स्पॉटेड डिसीज दिखाई दे रही है, तो इन्होंने क्या किया कि टोबैको की लीफ को रप्चर कर दिया, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया और उसका क्रिस्टलाइजेशन करना स्टार्ट करा। तो जब टोबैको की लीफ को पूरी तरीके से चुरमुर कर देंगे, एकदम पाउडर बना देंगे, तो उसमें जब उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए किसी सोल्यूशन में डालेंगे तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल होंगे, जो लाइट वेट लेमाइना होगा वो अलग हो जाएगा। तब इन्होंने देखा कि इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का एक रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो इस डिसीज का कॉज है, जो लीफ के स्ट्रक्चर से मैच करता नहीं है। हमने क्रिस्टलाइजेशन में इसको पता किया कि लीफ के स्ट्रक्चर से मैच करता हुआ कोई भी चीज नहीं पाया जा रहा है, तो वो जो रॉड शेप स्ट्रक्चर था वो था हमारा, क्योंकि टोबैको में मोज़ेक डिसीज कॉज कर रहा था, इसलिए इसका नेम दे दिया गया टीएमवी। और जिसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। बस समझ गए, जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, बस समझ गए। और आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए वैसे भी सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ऐसे वायरस जो डेथ कॉज करते हैं, उज्जवल बता दिया मैम को, ऐसे वायरस जो डेथ कॉज करते हैं, वायरस जो डेथ कॉज करते हैं, डेथ कॉज करते हैं, उनको हम लोग रिट्रोवायरस बोलते हैं, रिट्रोवायरस बोलते हैं। ऐसे वायरस जो डेथ कॉज करते हैं उसको हम लोग रिट्रोवायरस बोलते हैं। रिट्रोवायरस होते हैं हमारे दो, एक है एचआईवी और दूसरा है कैंसर। बस समझ गए, इनके वायरस डेथ कॉज करेंगे, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि अगर एचआईवी किसी को हो जाए तो वो बचेगा, वो मरेगा। एचआईवी से नहीं मरेगा, दूसरी डिसीजेस से मर जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इंसान कैंसर से नहीं मरेगा, लेकिन सोच सोच के मर जाएगा कि उसको कैंसर है। चाहे तो विल पावर अगर है तो वो जी भी सकता है, डिपेंड करता है कि ये दोनों किस स्टेज में पता चले। रिट्रोवायरस के स्प्रेड करने की जो स्पीड होती है वो स्लो अपरिंग है, ये स्लो अपरिंग है। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो स्लोली स्लोली दिखाई देते हैं। बात समझ गए, वायरस डेथ कॉज करता है, इसको रिट्रोवायरस बोलते हैं। एचआईवी है कैंसर कॉज, कैंसर जो है ये सब डेथ कॉजिंग वायरस है। ठीक, इन वायरस के सिम्टम्स क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जितनी भी वायरल डिसीज है वो सब स्लो अकरिंग डिसीज है। वो सब कैसी है? स्लो अकरिंग डिसीज है, यानी धीरे धीरे इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे, धीरे धीरे इसके सिम्टम्स दिखाई देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों बच्चों? Yes, ma'am. बस अब जरा देखो इसमें इन्होंने क्या बोला कि अगर हम टीएमवी का स्ट्रक्चर देखते हैं तो टीएमवी के स्ट्रक्चर में हम लोगों को सब यूनिट्स दिखाई देती हैं। उज्जवल मैम क्या बोली? मैम वो कह रही थी कि मैं कॉल कर रही हूँ। आ जाए तो बताना जरा। ओके मैम। बहुत ही गंदा सा डायग्राम बन गया है, आप लोगों को अच्छा बनाना है। इसमें देखो ये आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, ठीक। और ये जो आउटर कवरिंग है ये प्रोटीन कोट है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब दिख रही है? Yes, ma'am. हाँ वो ऐसा होता है जब हम बोलते तो स्क्रीन दिखती है। देखो ये है आरएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये प्रोटीन कोट है, और ये है कैप्सोमियर,
ये क्या है, कैप्सोमियर, बात समझ गए? तो कैप्सोमियर है ये सब यूनिट्स, ये क्या है सब यूनिट्स, और इनकी जो नंबरिंग है वो है 2130, बात समझ गए? यानी 21-30 ये कैप्सोमियर्स पाए जा रहे हैं इसमें, टीएमवी के वायरस में। टीएमवी का वायरस ग्रेप्स लाइक है, इस पूरे तीन झाम का कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ टुबैको की लीफ में जाएगा और इतना आरएनए चला गया तो वो अपना काम दिखा देगा, बाकी ये तीन झाम जो लिए हुए दुकानदारी इसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रोटीन है। इस एक को चलाने के लिए इतनों के सहारे की जरूरत है, क्योंकि अगर ये अकेला रहता तो चल ना पाता, लेकिन कहीं कहीं पर प्रियॉन्स और वीरियोट्स और वीरियन है जहां पर केवल आरएनए है जेनेटिक मटेरियल, कहीं पर केवल प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। तो जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इन्फेक्शियस पार्ट है आरएनए, इन्फेक्शियस पार्ट है आरएनए, और आरएनए को सपोर्ट करने के लिए इतने सारे कैप्सोमियर्स प्रेजेंट हैं। ये कैप्सोमियर की आउटर जो कोट है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, और इन सब इनके जो कैप्सोमियर्स है उन सब यूनिट्स की नंबरिंग है 2130। बात समझ में आ गई, बात बच्चों समझ में आ गई मैम? हाँ बोलो। 6400 भी तो होता है ना कुछ? 6400 ये 6400 640 यस मैम 640 जीरो क्या होता है 6400? हाँ यस मैम, ये तो होता ही है। हाँ 2130 है, होता ही है। एक और होता है ना, एक और भी तो होता है ना, एक और होता है, एक और होता है बैक्टीरियोफेज वायरस की नंबरिंग। बैक्टीरियोफेज वायरस में जो नंबरिंग है उनका, लैम्डा फेस का नंबरिंग है उनका, तुम बता रहे हो? हाँ शायद मैम बोलते सही है। हो गया? अभी नहीं हुआ। कर लो, कर लो अच्छे से डायग्राम, अच्छा बनाना, थोड़ा कलर वाला पेन का यूज कर लिया करो जिससे कि लर्न करने में आसानी रहे। टीएमवी को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? टीएमवी को सबसे पहले किसने किसने डिस्कवर किया था? और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम किसने कहा था? कॉन्टेजियम वाइवम, हाँ ये तो टीएमवी, हाँ एम डब्ल्यू ब्रेडनेट, इसमें कंफ्यूजन, इसको ध्यान रखना, एम एम वो क्या कहते हैं, डब्ल्यू एम स्टैनले।
हो गया बच्चों? यस मैम। देखो मतलब बोल ही नहीं रहे, हुआ कि नहीं हुआ है। तब से क्या कर रहा था जब हो गया तो? अब देखो, अब इसके बाद भी तुम लोग की क्लास है क्या? नो मैम। नो देखो, बैक्टीरियोफेज वायरस, अब हम लोगों का आ गया बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है? बैक्टीरियोफेज वायरस, इसको बैक्टीरियोफेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है, किल कर देता है, ठीक? इसलिए इसको बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं। अब यहां पर देखते क्या है कि इसको किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय ट्वार्ट डी हैरल ने इसको डिस्कवर किया था। बात समझ गए? ट्वार्ट डी हैरल ने इसको डिस्कवर किया था। इसका स्ट्रक्चर बना होता है कुछ इस टाइप से। ये इसके टेल स्पाइक्स होते हैं जो गिन के बनाने हैं, 1 2 3 4 6, 6 बनाने हैं इनको गिन के। इसके अंदर यहाँ जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए है। ये हेड है, ये हेड है। हेड की आउटर कवरिंग जो है वो है कैप्सिड, यानी प्रोटीन कोट है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये जो हम लोग का टेल है, इसमें शीथ है, शीथ है यानी कवरिंग है, माइटोकॉन्ड्रियल कवरिंग है। ये नेक है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के से 6 स्पाइक्स निकले हुए हैं, 6 टेल स्पाइक्स निकले हुए हैं, 6 टेल फाइबर्स निकले हुए हैं, जिनकी हेल्प से ये लोकोमोट करता है और वायरस के पास, बैक्टीरिया के पास जाकर इन्फेक्ट करता है। इस बैक्टीरियोफेज वायरस का यूज ट्रांसडक्शन